ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा करेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपनी सभी कक्षाओं के सभी नोट साथ साथ पूरा करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, ये साखी खोल। सभी को सादर प्रणाम। आज मैं दोबारे से 20 से 30 मिनट में गोरख संहिता का दोबारे से सार बता देता हूं आपको, और फिर अंत में मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा यहां इस टेक्स्ट में से। तो हिमांशु जी बता देंगे कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है क्या। हाँ जी, हो रही है शो। थैंक यू जी। गोरख संहिता हमारे सिलेबस में हट योग के 8 टेक्स्ट लगे हुए हैं। घेरंड संहिता हम कर चुके हैं, हट योग प्रदीपिका कर चुके हैं, हट रत्नावली कर चुके हैं, योग बीज कर चुके हैं। ये 5वां टेक्स्ट है गोरख संहिता। इसके बाद में 6ठा 7वां 8वां शिव संहिता, गोरख संहिता, सॉरी शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और सिद्ध सिद्धांत पति। 3 टेक्स्ट हम बाद में करेंगे। ये 5वां टेक्स्ट है और गोरख संहिता नाम से ही पता चल रहा है, गोरखनाथ जी ने इसको लिखा। संहिता का अर्थ होता है इकट्ठा करना, कि गोरख जी के जो वचनों को इकट्ठा करके जो ग्रंथ लिखा गया है उसको गोरख संहिता कहते हैं। हठ योग के जितने भी टेक्स्ट होते हैं सभी गुरु शिष्य परंपरा के होते हैं। गुरु शिष्य होते हैं या फिर दो आपस में लोग बातें कर रहे होते हैं गुरु शिष्य के रूप में, और उनकी बातों को ही लिख दिया जाता है, उसी को ही ये पूरा ग्रंथ का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से इस ग्रंथ में 201 श्लोक हैं। पहले अध्याय में यहाँ पे अध्याय को शतक कहा गया है। पहले अध्याय में पहले शतक में 100 है और दूसरे में 101 है। सामान्य तौर पे 201 की जगह 200 श्लोक भी कह देते हैं, लेकिन मुख्य 201 ही है। इसमें षडांग योग की चर्चा है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 6 अंग बताए गए हैं। इसमें यम नियम को नहीं लिया गया। कर्म को बहुत महत्ता दी गई है यहाँ पे, और कहा गया है कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म मोक्ष को प्राप्त करने की सीढ़ी है, अर्थात बिना सीढ़ी के हम ऊपर मंजिल पे नहीं जा सकते।
कि यथार्थ कोई भी योगी क्यों ना हो, हर किसी को कर्म करना पड़ेगा। 84 लाख आसनों का वर्णन है। उन 84 लाख आसन में 84 आसन प्रमुख हैं। उन 84 में 2 आसन प्रमुख हैं। उन 2 आसनों के नाम है सिद्धासन और पद्मासन। इन 2 आसनों का संपूर्ण विस्तृत रूप से वर्णन इसमें मिलता है। सिद्धासन और पद्मासन दोनों की जो व्याख्या जब दी गई है, जो हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली दोनों ग्रंथों में बताई गई है कि योनि स्थान का मंगरी मूल घटित उसी तरीके से अपने एक पैर को योनि स्थान पर लगा और दूसरा एडी को ऊपर रख दो, जालंधर बंद लगा करके भ्रूमध्य दृष्टि करके रोके रहो उसी में, और इससे मोक्ष का दरवाजा खुलता है। ये सिद्धासन है। और पद्मासन से जो पद्मासन की जो स्थिति है, पैरों को ऊपर रख करके ऑल्टरनेट टो को हाथों से पीछे से पकड़ लेंगे और जालंधर बंद लगा के नासिकाग्र दृष्टि करेंगे, वो पद्मासन है। और पद्मासन से समस्त व्याधियों का नाश होता है। इसमें 29 ज्ञातव्य अव्यय की बात की गई है, अर्थात वो चीजें जिनको ज्ञातव्य जो जानने लायक है, ऐसी 29 चीजें हैं। उनमें क्या है, 6 चक्र हैं मूलाधार से लेकर के आगे चक्र तक, जो 6 चक्रों का वर्णन है। 16 आधारों का वर्णन है। 2 लक्ष्य हैं, बाह्य लक्ष्य और बाह्य और अभ्यंतर। 5 आकाश हैं, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, धूम्र वर्ण, नील वर्ण और विद्युत वर्ण। ये कुल जोड़ केंगे तो टोटल 29 ज्ञातव्य अव्यय हो गए कि इनको जानना चाहिए। 9 द्वार कौन कौन से, 2 नाक, कान, आंख, 1 मुख, गुदा और उपस्थ। 1 स्तंभ, स्तंभ होता है खंबा, पिलर, और हमारे शरीर का स्तंभ है मन। स्तंभ यानी कि मन है। 9 द्वार है और 5 अधिदेवता है। 4 अधिदेवता पंच महाभूतों के कौन से हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ये 5 अधिदेवता है। जो इनको जानता है उसका योग सिद्ध होता है, और जो नहीं जानता उनका योग सिद्ध नहीं होता। ये पृथ्वी के साथ में ब्रह्मा है, जल के साथ में विष्णु देवता है, अग्नि के साथ में रुद्र देवता है, वायु के साथ में ईश्वर है, आकाश के साथ में सदाशिव। इसी प्रकार इसी क्रम को हम यहाँ पर भी रखेंगे, चक्रों के साथ में। पृथ्वी के साथ मूलाधार चक्र है, जल के साथ स्वाधिष्ठान चक्र है, अग्नि के साथ मणिपुर चक्र है, वायु के साथ अनाहत चक्र है, आकाश के साथ विशुद्धि चक्र है और आज्ञा के लय है। और लवर यह ये बीज मंत्र की ट्रिक है, और आज्ञा चक्र में ओम है। इसमें आप सुधार कर लेंगे, मणिपुर चक्र में 10 दल होते हैं। पहले 4 है मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में 6 है, मणिपुर में 10 है, अनाहत में 12 है, विशुद्धि में 16 दल है, और आज्ञा में 2 दल बताए गए हैं। इसका स्थान भी है, मूलाधार का स्थान गुदा है, स्वाधिष्ठान का लिंग है, मणिपुर का नाभि है, अनाहत का हृदय है, विशुद्धि का कंठ है और आज्ञा का भ्रूमध्य स्थान है। कामरूपी पीठ जो है, योनि स्थान को ही कामरूपी पीठ कहा गया है, और इसका आकार त्रिकोणाकार है। 72,000 नाड़ियों की चर्चा इसमें। 10 नाड़ी प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ते, जिह्वा, पूसा, यशस्विनी, अलम्बुसा, संकीनी। इस प्रकार आप ये 10 नाड़ियों को सीक्वेंस में आप याद कर लेंगे, इनके स्थान भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। और जो मेढ्र व नाभि के मध्य कंध का स्थान है, कंध उसको बोलते हैं, कंध यानी कि जड़, हमारे शरीर की जड़, आधार, जहां से समस्त नाड़ियों का विकास हुआ है। कंध इसका आकार मानव शरीर में पक्षी की अंडी की तरह है, इलेप्टिकल शेप का है ये, और इससे 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में जाती हैं इसे निकल के। 3 नाड़ियां प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा के जो देवता है सोम यानी चंद्र देव है, पिंगला के जो देव है वो सूर्य देव है, और सुषुम्ना के जो देव है अग्नि देव है। 10 वायु बताई गई है, प्राणपान, समान व्यान, उदान, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। इनके अपने अपने स्थान है शरीर में अलग अलग, और इन वायु की वजह से ही अलग अलग वायु का अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास करना, अपान का कार्य शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, इस प्रकार शरीर की समस्त जो क्रिया प्रणाली है इन वायु के ऊपर, प्राणवायु के ऊपर निर्भर करती है। अजपा गायत्री का वर्णन गोरख संहिता में किया गया है। अजपा गायत्री को हंस जब भी कहते हैं,
हंस अर्थार्थ जो श्वास प्रश्वास के साथ जो जप हमेशा चलता रहता है उसको हंस जप कहते हैं। कि जैसे कि हम एक्सहेल करते हैं तो हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इनहेल करते हैं तो सकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी को मिलाएंगे तो हंस जप उत्पन्न होता है। जीव सदा ही इसका जप करता रहता है। दिन और रात में कुल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में लगभग जब वैज्ञानिकों ने पाया है कि 21,600 बार हम सांस लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि 21,600 बार ही हंस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। हंस मंत्र के ये इतना ज्यादा श्रेष्ठ है, खाली हम इसका संकल्प भी कर लेंगे तो भी समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। ये सबसे बड़ी विद्या है, इसके बराबर कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है और न ही कोई काल है। इसको प्राण धारणी, प्राण विद्या और महाविद्या के नाम से भी जाना गया। और जो अजपा गायत्री मंत्र को इसको जानता है वो वास्तव में वेद का जानने वाला है। कुंडलिनी का वर्णन है इसमें प्रथम चैप्टर में ही है, प्रथम शतक में, कि और जो इसका आकार है कमल के नाल की तरह, जैसे कमल का पौधा होता है उसके नीचे की जो डंडी होती है पतली सी कीचड़ में जो उगा हुआ होता है उसकी तरीके उस तरीके से कुंडलिनी है। और कुंडलिनी ऊपर जो कंध हमने पढ़ा था, वो कंध के चारों तरफ 8 लपेटे खाई हुई है। शक्ति चालनी मुद्रा का वर्णन भी प्रथम शतक में ही है। और पद्मासन में जो मेथड जो घेरण संहिता में बताया गया था कि पद्मासन में बैठ करके अश्विनी मुद्रा के द्वारा अपान वायु को बार बार ऊपर की तरफ उठाना है, उससे क्या होता है कि कुंडलिनी में वहां पे कुंडली शक्ति जागृत होने में सहायक है ये, इसीलिए इसका नाम शक्ति चालनी मुद्रा है। पथ्य पथ्य का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे पथ्य में दो ही रस बताए गए हैं, जबकि हठयोग प्रदीपिका में 4 रस है, कटु अम्ल लवण तिक्त, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ लवण और अम्ल दो रसों को लिया गया है। पथ्य में सिर्फ दूध आदि चीजों को लिया गया है, इसके अलावा बाकी चीजें विशेष रूप से नहीं बताई गई। मुद्रा मुख्य रूप से 8 मुद्राओं का वर्णन है, महामुद्रा, नवो मुद्रा, नवो मुद्रा को ही खेचरी मुद्रा कहते हैं, उड्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा। इसमें जो है कि पहले 6 मुद्राओं का वर्णन पहले शतक में मिलता है, विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा का जो वर्णन है अगले शतक में यानी कि दूसरे चैप्टर में मिलता है। ये भी आप ध्यान रख पूछा जा सकता है कि विपरीत करनी मुद्रा कौन से शतक में, पहले में या दूसरे में, तो दूसरे में है। पहली 6 मुद्राएं तो पहले शतक में है, और अंतिम 2 मुद्राएं विपरीत करनी और काकी अगले शतक में बताया गया। यहाँ पे एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आप एक साथ सभी को याद कर लो। शरीर का मूल जो है वो बिंदु है, और बिंदु 2 प्रकार का होता है, एक होता है पांडुर वर्ण का अर्थात सफेद रंग का होता है, और दूसरा लोहित वर्ण का महाजन अर्थात लाल रंग का होता है। बिंदु को शिव कहते हैं और शिव चंद्रमा के स्थान पर है। जो रज है रज को शक्ति कहते हैं और उसको सूर्य के स्थान पर माना गया है। रज का जो स्थान है वो नाभि मंडल में है, और चंद्र का स्थान जो है वो बिंदु माना गया है। ऊपर जो घाटी प्रदीपिका में पढ़ा था षोडश स्थल जो ऊपर 9वें चक्र जो बताया जाता है सिद्धांत में बताया उसको आकाश चक्र, वहां पर ये बिंदु का स्थान है जिसको हम चंद्रमंडल का स्थान भी कहते हैं। ओमकार का वर्णन है यहाँ पे, इसमें 3 काल, 3 वेद, 3 लोक और 3 देव का अपने आप ही अभ्यास हो जाता है अगर हम खाली ओमकार का ही उच्चारण करते हैं तो। ओमकार में क्रिया, इच्छा, ज्ञान और 3 प्रकार की जो शक्ति है ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी, ये इसी के अंदर ही स्थित होती है। अर्थात खाली ओमकार के उच्चारण करने से 3 काल, वेद, लोक इनका अपने आप ही हमें ज्ञान हो जाता है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ ये शब्द है ओमकार का। ओमकार में 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। ओमकार के जप से समस्त जो पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं और उसमें लिप्त नहीं होती। अर्थात जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जो प्रतिदिन ओमकार का उच्चारण करता है। जो प्राणायाम है, प्राणायाम का वर्णन किया गया है, विशेष रूप से प्राणायाम नहीं बताए गए यहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्टली वर्णन है यहाँ पे। और नासिका से जैसे कि घेरण संहिता में बताया गया था कि सामान्यतः 12 उंगल का जो हमारी नासिका से हम प्राण को श्वास को अनुभव करते हैं, लेकिन यहाँ पे 36 अंगुल का बताया गया है। नाड़ी शोधन का वर्णन मिलता है, और नाड़ी शोधन को ही यहाँ पे एक तरीके से प्राणायाम का रूप दिया गया है,
वैसे अलग से प्राणायाम का वर्णन नहीं मिलता जैसे और ग्रंथों में मिलता है। इसके अंदर अलग से प्राणायाम नहीं बताए गए। जैसे कि अधम अधम कोटि के जो साधक हैं, मध्य कोटि के साधक है, उत्तम कोटि, जो नाड़ी शोधन की जो विधि है ना, उसी को यहाँ पे प्राणायाम बोल दिया गया इनडायरेक्टली। और उसी में बताया गया कि नाड़ी शुद्धि में क्या होता है कि एड़ा नाड़ी से सांस लेके रोकते, पिंगला से छोड़ते हैं, उस दौरान चंद्रवेदी होता है इंडा, और उस समय चंद्रमा का ध्यान करना है, उसी को ही चंद्रांग बोल देते हैं यहाँ पे। और उसी नाड़ी शुद्धि में जब पिंगला से रेचक किया है, पिंगला से जब हम पूरक करेंगे और ईड़ा से जब रेचक करेंगे, उस समय सूर्य का ध्यान लगाना, उसी को सूर्यांग बोलते हैं। अब इसका परसेंटेज दिया गया यहाँ पे, जो अधम कोटि का साधक है वो 12, 16 और 10 उसकी रेशो बताई गई है, पूरक, कुंभक और रेचक। और बताया गया है कि अधम कोटि के साधक को पसीना आता है, मध्य कोटि के साधक को कंपन होती है, और उत्तम कोटि के साधक का जो प्राण है ऊपर की तरफ गति करता है। जो देखेंगे यहाँ पे रेशो में हम देख सकते हैं, अधम का 2 गुना मध्यम होता है कि 2 गुना था, 12 दुनी 24, 16 दुनी 32, 10 दुनी 20, अधम 2 गुना बताया गया है। और जो उत्तम है, अधम का 3 गुना उत्तम प्राणायाम अर्थात 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, 16 का 3 से 48 और 10 का 3 30, ये इनके यहाँ पे परसेंटेज बताई गई। पूरक, रेचक और कुंभक जो है प्रणवात्मक, प्रणवात्मक, प्रणव जो शब्द है ओमकार को बोला जाता है, और ओमकार में 3 मात्राएं होती है, अकार, उकार, मकार, अर्थात उन 3 मात्राओं का पूरक, रेचक और कुंभक के साथ संबंध होता है। अब 12 मात्रा युक्त जो प्राणायाम है 3 प्रकार का होता है, देखिए अधम का है, मध्यम का है और उत्तम का। 12 मात्रा क्यों बोल दिया गया, क्योंकि 12 से ही सब मल्टीपल है, क्योंकि 12 का स्टार्टिंग जो है 12 से है, इसलिए 12 मात्रा से युक्त बोल दिया गया इसको। और वो हम पढ़ चुके हैं, अधम का 2 गुना मध्यम है, अधम का 3 गुना उत्तम है। अधम प्राणायाम का लाभ है कि समस्त व्याधियां और पापों का नाश होता है, और मध्य प्राणायाम का लाभ है कि पाप, रोग और महाव्याधियों को दूर करता है। जो उत्तम कोटि का जो प्राणायाम है उससे मल जो है कम हो जाता है, शरीर में लघुता आती है, मिताहारी वो हो जाता है, और जो उसकी इंद्रिया और बुद्धि तीव्र हो जाती है अर्थात अत्यधिक सेंसिटिव हो जाती है, और जो त्रिकालदर्शी हो जाता है वो अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान हो जाता है उसको। षडांग योग हमने स्टार्टिंग में बताया कि 6 है इसके अंदर, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम का वर्णन नहीं मिलता है इसके अंदर। आसन जो है, आसन करने से शरीर, 2 आसनों का वर्णन है, सिद्धासन और पद्मासन। बताया गया कि आसनों को करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, अर्थात फिजिकल प्रॉब्लम जिसको हम व्याधि भी कहते हैं वो दूर होती है। प्राणायाम करने से पाप दूर होते हैं, प्रत्याहार करने से मन के विकार मिट जाते हैं, अर्थात मन साफ हो जाता है। धारणा करने से धैर्यशाली अर्थात पेशेंस जो है, सबर आता है शरीर में, हमारे मन में। ध्यान करने से अद्भुत चैतन्य शक्ति जागृत होती है, और समाधि से जो शुभ अशुभ कर्म, शुक्ल और अशुक्ल कर्म है, वो उनका त्याग हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। 12 प्राणायाम से 1 प्रत्याहार सिद्ध होता है, 12 प्रत्याहार से 1 धारणा सिद्ध होती है, और 12 धारणा से 1 ध्यान सिद्ध होता है, और 12 ध्यान से 1 समाधि सिद्ध होती है। और आगे हम पढ़ेंगे में कि धारणा कितने समय में होती है, धारणा जब वहां पे बताया गया कि 2 घटे, 5 घटे बताया गया, अर्थात 2 घंटे में धारणा होती है, 60 घटे अर्थात 1 दिन में ध्यान होता है, और 12 दिन में समाधि सिद्ध होती है। प्राणायाम की जो विधि है यहाँ पे कुछ हल्का सा चेंज मिलता है, वो यहाँ पे मिलता है भ्रूमध्य दृष्टि, यहाँ पे अलग से बताई गई है विधि के अंतर्गत। बद पद्मासन की स्थिति है, और गुरु और शिव को नमस्कार करते हुए भ्रूमध्य दृष्टि करना और प्राणापान को मिलाना है, ये प्राणायाम की विधि बताई गई है। इससे क्या होगा, कुंडली शक्ति ऊपर उठेगी, और कुंडली शक्ति जागृत होने से पापों का अपने आप ही छुटकारा मिल जाता है। अगर हम ठीक ठीक अभ्यास करेंगे प्राणायाम का तो समस्त रोग दूर हो जाते हैं, और गलत अभ्यास करने से अनेकों प्रकार के बीमारियां आती हैं। और अनेकों प्रकार के बीमारियों के नाम भी दिए गए हैं, हिक्का अर्थात हिचकी,
श्वास यानी कि अस्थमा, खांसी यानी कि खांसी, सिर पीड़ा अर्थात सिर में दर्द होना, कान कानों का दर्द होना, नेत्र अर्थात आंखों में वेदना था, आंखों की पीड़ा आदि अर्थात इसके अलावा और भी अनेकों रोग है जो वायु के प्रकोपित होने से होते हैं। जैसे शेर, हाथी और बाघी जंगली जानवर है, इनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो इन खतरनाक जानवरों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर्कस आदि में आप देखते भी हैं। इसी प्रकार जो हमारी वायु है, प्राण है, उसको धीरे धीरे नियंत्रित करना चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो सकता है और शरीर को बहुत हानि हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे इन तीन जानवरों के यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहा गया कि जैसे इनको धीरे धीरे नियंत्रित कर लेते हैं, इसी प्रकार प्राण को भी धीरे धीरे नियंत्रित करना चाहिए। योग सिद्धि के चिन्ह बताए गए हैं कि जब नाद ध्वनि सुनाई देने लग जाती है, और योग बीज में वर्णन मिलता है कि जब प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होता होगा, जब अनाहत चक्र के पास पहुंचता तब अनेकों प्रकार के नाद ध्वनियां सुनाई देती है। प्रत्याहार का वर्णन मिलता है कि प्रत्याहार का नाम से ही मीनिंग निकलता है, प्रति आहार अर्थात आहार के विपरीत, अर्थात जो हमारे इंद्रियों का जो साधारण कार्य है उसके विपरीत करना वो प्रत्याहार होता है। इंद्रियों द्वारा उनके विषयों का अनुभव और उनके इंद्रियों को अपने अपने विषयों से पृथक कर लेना। जैसे आंख का कार्य देखना है, वो देखते हुए भी नहीं देखता, कान का कार्य सुनना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना, अर्थात उसकी आसक्ति में न पड़ना, उन विषयों के उसमें भोग आसक्ति में न जाना, अपनी बुद्धि के द्वारा सोच विचार के जो हमारी बुद्धि का निर्णय हो उसी को करना, न कि मन की चंचलता के अनुरूप कार्य करना। कछुए का उदाहरण दिया गया, जैसे कछुआ होता है, कोई जब कोई भी समस्या होती है तो अपने आप ही संकट की स्थिति में अपने शरीर के अंदर की तरफ खींच लेता है, उसी प्रकार जो योगी होता है जब उसको लगता है कि हाँ उसकी इंद्रियां बाहर की तरफ विचलित हो रही है तो वो भी अपने इंद्रियों को विषयों को अंदर की तरफ खींच लेता है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। चंद्रमा की अमृतमय धारा की सूर्य ग्रस लेता है, अर्थात चंद्रमंडल से जो सोम रस टपकता है वो सूर्य मंडल में आके भस्म होता है, उसे इसी को हटाकर स्वम ग्रस लेना, अर्थात स्वम कैसे ग्रसते हैं, विपरीत करने मुद्रा से करते हैं, खेजरी मुद्रा से, जालंधर बंध से। ये तीन मेथड बताए गए हैं इस अमृत को रोकने के। विपरीत करने मुद्रा, विपरीत करने मुद्रा का बताया गया कि वो ही है सोम मंडल नीचे, अर्थात चंद्रमंडल नीचे, सूर्यमंडल ऊपर, सिर नीचे और पैर ऊपर। ये जो विधि है, जो सामान्य विपरीत करनी सर्वांगासन और शेष आसन की जो स्थिति है उसी को ही विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। इसका अभ्यास करने से अमृत का बचाव होता है, तथा सोमरस बचता है, जो सोमरस चंद्रमंडल से सूर्यमंडल में जाके भस्म हो रहा था, जितने समय हम विपरीत करनी करेंगे उतने समय वो नहीं वहां पे भस्म नहीं होएगा, उस अमृत का बचाव होगा, और अमृत की कमी की वजह से ही हम दिन प्रतिदिन बूढ़े होते हैं, हमारी आयु बढ़ती है। अगर ये अमृत नष्ट नहीं होएगा तो अपने आप ही हमारी आयु और वृद्धावस्था नहीं आएगी। काकी मुद्रा बताया गया है कि कौवे के समान में धीरे धीरे चोंच को होठों को बना करके श्वास को अंदर भर लेना है और फिर नासिका से बाहर निकाल देना, ये काकी मुद्रा है। और काके मुद्रा को करने से 6 मास में ही समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और जरा अर्थात बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते। विशुद्धि का अलग से वर्णन किया गया कि वी का अर्थ है शुद्ध और वी शब्द का अर्थ है हंस और शुद्ध का अर्थ है निर्मल, निर्मलता का बोध कराता है। जीव को उर्ध यानी कि यहाँ पे एक विशेष स्थिति बताई गई है तो लगभग लगभग विपरीत करने की तरह है, और उसका 15 दिन तक करने से मृत्यु को जीतने वाला हो जाते हैं। उस स्थिति में वो ये कि सोम मंडल नीचे रहता है, सूर्य मंडल ऊपर रहता है, तो अपने आप ही विशुद्धि चक्र पे प्रभाव पड़ता है और अमृत का बचाव होता है। अब जो योगी मूलाधार को रोकने में सफल हो जाता है, मूलाधार अर्थात एक तरीके से यहाँ पे जो गुदा स्थान के जो अश्विनी क्रिया या मूलबंध का जो अभ्यास किया जाता है उसमें जो पकड़ बना लेता है वो किसके समान हो जाता है, पंचमुखी शिव के समान हो जाता है। तो शिव के कितने मुख बताए गए हैं, शिव के 5 मुख यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे सामान्य ब्रह्मा के 4 मुख बोलते हैं, शिव के 5 मुख बताए गए हैं।
यहाँ पे वर्णन मिलता है कि जब हम खिचड़ी मुद्रा करते हैं, खिचड़ी मुद्रा का जब अभ्यास होता है जिसमें जो जिह्वा को कपाल कुहर में ले जाते हैं व्योम चक्र के में, और वहां पे ले जाने से अनेकों लाभ मिलते हैं और उसका प्रभाव हमारे विशुद्धि चक्र पर पड़ता है और जिससे हमारे गले में अति मधुरता आती है और आवाज में बड़ा सुरीलापन आता है। इसलिए कह दिया गया कि खिचड़ी मुद्रा का, नव मुद्रा का जो अभ्यास है उसको करने से कवि की तरह हो जाते हैं। और अनेकों प्रकार के जब जिह्वा ऊपर कपाल कुहर में जाएगी अर्थात नेजोफेरिंक्स में जाएगी तो क्षार, कटु, अम्ल, दूध और शहद और घी जैसे अलग अनेकों प्रकार के जो टेस्ट हैं वो हमें अनुभव होंगे। और इसका लाभ बताया गया है कि खिचड़ी मुद्रा को कर लेने से क्या क्या फायदे होते हैं कि बिना शास्त्रों के अध्ययन के ही शास्त्र अपने आप ही याद हो जाएंगे, उनकी व्याख्या भी अपने आप ही हमारी स्मृति में आ जाएगी। अमृत तत्व का बचाव होता है, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वसितो, विसितो, ये अष्ट सिद्धियां होती हैं। और सिद्धांगनाओं की जो स्त्रियां हैं वो आकर्षित होती हैं इसका अभ्यास करने से। और बताया गया है कि 2-3 वर्ष के बाद में बिंदु जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है अर्थात उसका पूर्ण रूप से बचाव हो जाता है। धारणा की चर्चा की गई है कि धारणा किसको कहते हैं। सामान्य तौर पर धारणा का जो डेफिनेशन योग दर्शन में देशबंध चित्त से धारणा बताया गया है कि किसी भी देश में चित्त को बांध देना धारणा है, देश बाहर का हो या अंदर का हो। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि पंच महाभूतों को अलग अलग करके धारण करना, ये यहाँ पे धारणा की डेफिनेशन बताई गई है। और मन उस समय बिल्कुल निश्चल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और कहाँ पर धारण करना है, विशेष स्थान दिया है कि अंदर के देश में हृदय के स्थान पे, बाकी के जगह नहीं बताया। अर्थात हृदय पे ध्यान लगाते हुए फिर अलग अलग भूतों का ध्यान करना है, वो धारणा है। और पंच पांच भूत बताए गए हैं, उन पांच भूतों के अपने अपने चक्र हैं, अपने अपने वर्ण हैं, अपने अपने देवता हैं, आकार है, बीज है, और सब में पांच पांच घड़ी, पांच घड़ी एक घड़ी में 24 मिनट होती है। अर्थात पांच घड़ी यानी 2-2 घंटे अलग अलग तत्व पे धारणा करने के लिए बताई गई है। पृथ्वी जो है मूलाधार चक्र से संबंधित है, जिसका जो स्थान है गुदा द्वार है, और उसका जो वर्ण है हरतल स्वर्ण यथार्थ जो पीले रंग का होता है, इसके देवता ब्रह्मा है, और इसका आकार चतुष्कोणाकार होता है, इसका बीज मंत्र लम है, और समय 5 घड़ी के लिए बताया गया है। दूसरा जल बताया गया है, दूसरा भूत जो जल है, जल का चक्र स्वादिष्टान चक्र होता है, इसका स्थान हमारे उपस्थ में होता है। वर्ण इसका शुभ वर्ण अर्थात सफेद रंग का होता है, देवता विष्णु है, आकार अर्ध चंद्राकार है, बीज मंत्र वम है, और समय 5 घड़ी अर्थात 2 घंटे बताया गया है। जो अग्नि जो महाभूत है, अग्नि महाभूत का स्थान नाभि में होता है, मणिपुर चक्र से संबंधित है, वर्ण लाल रंग का होता है, जो देवता है रुद्र होता है इसका, इसका आकार त्रिकोणाकार है, बीज मंत्र रम है, और समय 5 घड़ी का बताया गया। वायु तत्व है, इसका संबंध हमारे अनाहत चक्र से है, हृदय प्रदेश में है, वर्ण सुरमा जैसा रंग अर्थात ग्रे कलर का होता है, देवता ईश्वर है, आकार वृत्ताकार है, बीज मंत्र यम है, और समय 5 घड़ी बताया गया है। जो आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत इसका संबंध हमारे विशुद्धि चक्र से है अर्थात कंठ प्रदेश में जो इसका स्थान है, और इसका वर्ण जल के समान नीले रंग का होता है, देवता सदाशिव बताए गए हैं, आकार वृत्ताकार है, बीज मंत्र हम है, और समय 5 घड़ी बताया गया। पृथ्वी महाभूत पे संयम करने से पृथ्वी के गुण आते हैं अर्थात पृथ्वी महाभूत जैसे कि उसका शरीर अति दृढ़ हो जाता है। जल महाभूत का अभ्यास, जल महाभूत की धारणा जब सिद्ध हो जाती है तो जल पे नियंत्रित हो जाता है अर्थात जल उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, और इसके अलावा कालकूट विष भी भस्म हो जाता है अर्थात उसकी पाचन शक्ति अत्यंत मजबूत हो जाती है। वायु धारणा करने से वायु उसका नुकसान नहीं करती है और आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। ये इसमें शायद गलत लिखा हुआ है, आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। अग्नि के गुण आएंगे कि उसमें सूर्य के समान हम तेजस्वी हो जाते हैं। आकाश का यहाँ पे लाभ बताया कि आकाश से मोक्ष कपाट खुल जाते, कपाट होते दरवाजे, मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। अब पृथ्वी महाभूत पे धारणा करना, इसको स्तंभन धारणा कहते हैं, स्तंभन अर्थात रुकना स्टेचू की तरह।
जल जल तत्व को द्रावणी, द्रावणी अर्थात जो बहने वाले हैं, अग्नि अर्थात जो दहने अर्थात जलाने वाली है, वायु अर्थात भ्रमण करने वाली भ्रामिणी, आकाश अर्थात शोषिणी। ध्यान दो बताया गया, ध्यान का वर्णन ये इसका पांचवा अंग बताया गया षडंग योग में, और चित्त आएगा यहाँ पे, चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करना ही ध्यान है, अर्थात आत्मा का ध्यान करना, जो आत्म तत्व जो अंगुष्ट मात्र बताया गया उसका ध्यान करना है। दो प्रकार का ध्यान यहाँ पे मिलता है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। घेरण संहिता में तीन तरीके का ध्यान बताया गया, स्थूल सूक्ष्म और ज्योति ध्यान। यहाँ पे दो प्रकार का, सगुण और निर्गुण। सगुण का अर्थ होता कलामय अर्थात सकल, और निर्गुण का अर्थ होता निष्कल, यानी कि जो कला युक्त हो उसको सगुण कहते हैं, जो कला से रहित तो उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ध्यान की स्थिति बताई गई है कि सुख आसन लगा करके छह के छह चक्रों का ध्यान करना है कुंडलिनी के साथ, अतः कुंडलिनी का भी ध्यान करना है, षट चक्रों का भी ध्यान करना है, और शरीर की स्थिति सुखासन के बताई गई है। ये चक्रों के दल हम पढ़ चुके हैं, खाली चक्रों के लाभ हम देख लेते हैं। इनका जो है मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाने से योगी सुख परम आनंद की प्राप्ति होती है, मणिपुर चक्र का ध्यान लगाने से जगत को शोभित करने में समर्थ हो जाता है, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाने से योगी ब्रह्ममयी हो जाता है, विशुद्धि चक्र में आनंदमयी हो जाते हैं, और भ्रूमध्य चक्र में जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाती है। शिव का ध्यान करने से योगी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि सहस्त्र हजारों अश्वमेघ यज और हजारों वाजपेय यजों का फल भी अकेले ध्यान के 16वें अंश के बराबर नहीं होता, अर्थात ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इससे ध्यान से अष्ट सिद्धियां सिद्ध होती है, अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, 9 स्थानों पर ध्यान लगाने के लिए बताया गया है कि गुदा, मेढ्र, नाभि, हृदय, घंटिका, भ्रूमध्य, विशुद्धि, लंबिका और शून्य स्थान, ये 9 स्थान है, यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए। उपाधि और तत्व, उपाधि को वर्ण कहते हैं और तत्व को आत्मा कहते हैं। ध्यान और समाधि का भेद बताया गया है कि ध्यान अर्थात जब हमें विषयों का अनुभूति रहे और जब उन विषयों की पूर्ण रूप से निर्लिप्तता आ जाए वो समाधि है। समाधि वास्तविक रूप में क्या बताई गई है, जैसे कि नमक और पानी दो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग उनका स्टेट है, लेकिन जब उनको मिला दिया जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एकीकरण हो जाना, जैसे दूध में पानी मिला देते हैं पता नहीं चलता दूध कहाँ है पानी कहाँ है, इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना उसको समाधि कहते हैं। जो धारणा है 5 घड़ी अर्थात 2 घंटे में प्राण का अवरोध करने पर सिद्ध होती है, जो ध्यान है 60 घड़ी अर्थात 1 दिन में प्राण का जब हम अवरोध कंटिन्यू करते हैं उसको से ध्यान सिद्ध होता है, और 12 दिन लगातार उसी ध्यान की स्थिति में प्राण का अवरोध किया हमने उसको समाधि सिद्ध होती है। जो भागवत गीता में भी 6 अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया, युक्ताहार विहारस्य युक्तचित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखार्थ युक्त युक्त आहार विहार निद्रा आदि, जो समस्त जो क्रियाएं हैं युक्त युक्त करें, कम ना ज्यादा, तभी हम पूर्ण। इस तरीके से गोरख संहिता की संपूर्ण सभी अध्यायों का जो मैंने दोबारा से आज आपको करा दिया है, आशा है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ, सभी मैसेज करके बता देंगे, तैयार हो सभी क्वेश्चनिंग के लिए। राहुल जी, हेलो जी, बताइए। ये जो उपाधि और तत्व बोला गया है ये किससे कनेक्टेड है, उपाधि वर्ण और तत्व आत्मा? समाधि में आता है ये, समाधि में उनका जो है ना एक हो जाना दोनों का, और दोनों में कोई भिन्नता नहीं रह जाना, वो समाधि है।
ठीक है, यथार्थ यानी कि उपाधि और तत्व, यानी कि तत्व जो आत्मा को कहा गया है ना, एक तरीके से आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाना, वो समाधि है। ठीक है, अच्छा ओके मैसेज आ गए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि हाँ, सर प्रमुख जो डाउट हो तो अभी बता दीजिए, बताइए कोई डाउट हो तो, इसके बाद इस ग्रंथ को हम नहीं उठाएंगे फिर। सर, जो नोट्स बनाना है ना, तो हाँ आप जो पीडीएफ भेजते हो उसको बनाना काफी है या बुक रेफर करनी पड़ेगी? उससे सहायता लो, जो मैंने पीडीएफ दिया है उसकी सहायता से फिर बुक में मैच करो, क्या पता मैंने कुछ कोई लाइन छोड़ दिया हो, है लेकिन ना, बुक मैं बहुत हर चीज तो नहीं ले बड़ी लूंगा है। वो। देखो मेरे पीडीएफ से सहायता लो और उस सहायता से बुक के साथ मैच करो, क्योंकि कई लाइनें जैसे कि सिद्धासन पद्मासन मुझे ऐसे याद है, इनके श्लोक नवो मुद्रा खेचरी मुद्रा महामुद्रा मुझे ऐसे याद है, क्या पता आपको याद ना हो, तो मैंने तो छोड़ दिया, डायरेक्ट नाम नाम लिखा था मैंने तो मुद्राओं का, क्या पता आपको याद ना हो, तो आप तो उसको लिखोगे ना अपने नोट्स में, आप ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे ये मैंने अपने हिसाब से बनाया पीडीएफ, तो आपको थोड़ी सूट करेगा ये पीडीएफ, इससे सहायता लो और इसकी सहायता से अपने नोट्स बनाओ, इस पे डिपेंड मत हो। ठीक है ओके, थैंक मुझे सर। हेलो, होती वो कैसी होती है? हेलो, एक एक करके बताइए। हाँ जी जी राहुल जी, आपने जो रेशियो बताया 12, 16 और 10 का, तो हमको 12 काउंटिंग करनी है सांस लेते टाइम। मात्रा मात्रा बताइए ना हाँ जी, जी, तो और मात्रा उपनिषद में 12। वर्णन मिलता है मात्रा का टाइम क्या होता है, एक चुटकी बोला गया था कि जैसे चुटकी है, बोलते हैं कि चुटकी को घुटने की तरफ प्रदक्षिणा करो, अर्थात जो टाइम ऐसे घुमाने में एक चुटकी का होता है उसको एक मात्रा कहते हैं, जी, उस एक मात्रा का पता नहीं ये मैं करेक्ट नहीं हूँ, एक मात्रा 1 सेकंड के घुमा के बराबर चुटकी होती है, बजानी है सर। हाँ घुमा के घुटने की तरफ, वो उपनिषद में आएगी ये लाइन, शायद योग कुंडलिनी उपनिषद में शायद ये लाइन है कि ऐसे घुमा के प्रदक्षिणा करना उसको एक मात्रा कहते हैं, और शायद एक मात्रा मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि शायद 2.5 सेकंड के बराबर होती है, अगर किसी को कंफर्म हो तो माइक खोल के बता सकते हैं, शायद 2.5 सेकंड होती है एक मात्रा। ठीक है सर एक डाउट था, राहुल जैसे बताइए सर मैं पूछूं। हाँ विभाजी, जी सर, जैसे इसमें ना मुद्रा बताई गई है, एक साथ तो 5 ही बताई है। जब आपने हट प्रदीपिका में बताया था एक साथ 10 थी, और आपने कहा था शांभवी बाद में आई है लेकिन इसे काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे, तो ऐसे इसमें भी सिर्फ 5 नहीं माननी चाहिए? बाकी बाकी मतलब अगर पूछा जाए कितनी मुद्रा आती है तो 5 ही नहीं बतानी चाहिए? नहीं वहां पे ना अलग लाइनों का वर्णन है, देखिए मैं लाइन सुना देता हूँ, श्लोक संख्या है 56 में, ये उसमें बताया गया है कि महामुद्रा नवो मुद्रा उद्यान बंद जालंधर बंद और मूल बंद, इनका करने करना जो जानता है वह योगी मुक्ति भाजन होता है, ये नहीं कहा कि कुल मुद्राएं 5 हैं, वहां पर तो ये शब्द स्पष्ट लिखा हुआ था कि 10 मुद्रा प्रोक्ता आदिनाथो वदन्ति अष्ट सिद्धि प्रदायक, वहां पे तो स्पष्ट लिखा था कि 10 मुद्राएं, यहाँ पे 5 कहीं पर नहीं लिखा हुआ। हाँ ये इस अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि योगी मुक्ति भाजन होता है कितने मुद्राओं से, तो वहां पे 5 आएगा, लेकिन अगर ये पूछा गया कि कुल ग्रंथ में कितने मुद्राएं हैं, तो 8 मुद्राएं हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ हिमांशी जी कुछ कह रहे थे आप बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जो वृत्ताकार बताया है उसमें क्या होता है, राउंड या स्क्वायर? स्क्वायर तो वो हो गया ना। वृत्त यानी कि सर्कुलर, ओके ओके, और स्क्वायर तो चतुष्कोण, वो चार वो बताया ना, चतुष्कोण, सॉरी। चतुष्कोण बोला है, और चतुष्कोण रेक्टेंगल में भी होते हैं और स्क्वायर में भी होते हैं, ओके ओके दोनों ओके ही मानेंगे।
कोई स्पष्ट नहीं कहा, चार कोने लिखे हैं, तो आयत आयत में और वर्ग में दोनों में चार ही कोने होते हैं। ओके ठीक है जी, मैं क्वेश्चन आगे पूछता हूँ आप लोगों से। आप बताएंगे कि गोरख संहिता में कुल कितने श्लोकों का वर्णन है? रुमा जी गलत बता दिया आपने, टाइपिंग मिस्टेक होगी शायद आपसे, 201। और ऐसा कौन सा ग्रंथ है इसके अलावा जिसमें 201 श्लोक हैं? वेरी गुड, पूजा सिंह राजपूत जी, उमा पटेल जी, योग नंदिनी जी, योग बीज में भी 201 श्लोक हैं। अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। गोरख संहिता में 201 श्लोक हैं, इसमें दो चैप्टर हैं, उनको शतक कहा गया है। योग बीज में 201 श्लोक है, उसमें कितने चैप्टर हैं? और 111, गोपाल दास जी क्या कर रहे हो, डरा दिया आपने तो, 111 लिखे। हाँ सर, इकट्ठा ही है उसमें तो कोई भी नहीं है चैप्टर। अलग से कोई चैप्टर का वर्णन नहीं है, इसका मतलब एक ही है, तो इसका मतलब एक ही है, नहीं है तो एक ही है ना? ठीक है, आगे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि दो लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? मैसेज करेंगे, वेरी गुड, अभ्यंतर और बाह्य दो लक्ष्य होते हैं। अच्छा, जो 29 ज्ञातव्य अव्यय हैं, वो 29 ज्ञातव्य अव्यय कौन कौन से हैं, टाइप कीजिए। नीरज जी, 6, 16, 52 क्या है? छह 16, 5, 2 पूरा लिखो। 6 क्या? 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, पूरा लिखा करो ना। ठीक है, अब आप भी मुझे बताएंगे कि वायु के संबंधित कौन सा देवता है? प्रेरणा जी। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए आगे चक्र में कितने दल होते हैं? वेरी गुड, 2 दल होते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बता देंगे सुषुम्ना का देवता कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर हिमांशी जी, प्रेरणा जी, मयंक जी, अग्नि देवता। अच्छा, मुझे बता दीजिए पिंगला को हटरत्नावली में कौन से गुण से बताया गया है? पिंगला नाड़ी का कौन सा गुण है? सतव है, रज है, तम है, कौन सा गुण बताया गया है पिंगला नाड़ी? हिमांशी जी तमस बता रही हैं, प्रेरणा जी तमस बता रही हैं, प्रेरणा जी रजस बता रही हैं, तमस रजस, सतव भी आ गया है, तीनों में बड़ा कॉम्पिटिशन है। भावना जी रजस बता रही हैं, अरे पूजा जी तमस बता रही हैं, बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। लक्ष्मी जी तमस बता रही हैं, रोशनी जी राज बता रही हैं, हिमांशी जी को भी याद आ गया है, हिमांशी जी माइक खोल के तीन, हाँ प्रीति जी बताओ तीनों गुणों को कौन कौन से तीन है? ईड़ा में तम रहता है जो मैंने कल बताया गलत था, और आज वो पिंगला रज है और सुषुम्ना सत्व है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला आप मुझे बताएंगे कि एक दिन में कितने श्वास ले जाते हैं और कितनी बार हंस मंत्र जप का उच्चारण करता है कोई जीव? 21,600 बार, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें प्राण जो श्वास है नासिका से कितनी दूरी तक हम अनुभव कर सकते हैं, कितने अंगुल बताया गया है? बहुत बढ़िया, 36 अंगुल बताया गया है। अच्छा, अब ये बता दीजिए घेरंड संहिता में कितने अंगुल बताया गया है? 12 अंगुल बताया गया, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया आपने। कुंडलिनी कितने लपेटे की बताई गई है?
और किसके समान होती है कुंडली? कुंडली किसके समान होती है? कमल की नाल के समान। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया। शक्ति चालनी मुद्रा के लिए कौन सा आसन बताया गया है? बहुत बढ़िया, पद्मासन की स्थिति में शक्ति चालनी मुद्रा करनी है, बहुत बढ़िया। अगला आप मुझे बताएंगे कि यस और नो में आंसर करेंगे, क्या यहाँ पे कटु रस को अपथ्य कहा गया है? यस आया है, गोपाल जी का यस आया है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। गोपाल जी माइक खोल के बताएंगे कौन कौन से रस होते हैं अपथ्य में। प्रीति जी नहीं कह रही हैं, अच्छा जी, गोपाल जी का सही है, प्रीति जी का सही, अभी देखते हैं। गोपाल जी माइक खोल दीजिए। सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट करना, पथ्य में शायद दूध है। मैंने अपथ्य क्वेश्चन पूछा है और कटु पूछा है, कटु रस क्या इस ग्रंथ में अपथ्य कहा गया है? अम्ल और लवण बोला है। ठीक है, आपने गलती से यस कर दिया। अब ये बता दीजिए, चलो माइक बंद कीजिए, मैसेज कीजिए, कटु हो जाता है कोई बात नहीं आप, लेकिन मैसेज करो, ये मुझे अच्छा लगता है, कम से कम कर तो रहे हो ना, जो लोग नहीं कर रहे उनका क्या अच्छा, अगर कुछ तो सीखोगे मैसेज करने से। कटु और तीक्ष्ण अपथ्य आहार बताया है ये रस कौन कौन से ग्रंथ में? वेरी गुड पूजा जी, बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर पूजा जी ने दे दिया है, हट योग प्रदीपिका और हट रत्नावली। अरे नीरज जी घेरंड संहिता का मैं श्योर नहीं, हाँ वहां पर भी है, वहां पर भी घेरंड संहिता में भी, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे मैं बता, तीनों में है जी, तीनों में, थैंक यू। अब आप मुझे बताएंगे कि ओमकार में कौन कौन सी तीन जो शक्तियां स्थित हैं, शक्तियां पूछ रहा हूं मैं, खाली ध्यान दीजिए, शक्तियों के नाम बताओ। मैं पूछ रहा हूं शक्तियां, यानी कि ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। अब आप मुझे आगे बताएंगे कि कंपन की स्थिति कौन से कोटि के साधक में आती है? वन गलत, वो उत्तम ले रहे हैं कोई, कई तो ऐसे कंफ्यूज है, ध्यान से सुनते नहीं हो फिर गलत कर दोगे, इतना सिंपल क्वेश्चन था। शुभम जी अभी भी उत्तम लिख रहे हैं, देखो मध्यम कोटि के साधक में कंपन होती है। अच्छा तो अब बताएंगे उत्तम कोटि का जो प्राणायाम है उसका रेशो क्या है, टाइप कीजिए। उत्तम कोटि के प्राणायाम का रेशो क्या है? गलत नीरज जी, क्या पूछ रहा हूँ नीरज जी, पहले सुनो तो, ऐसे टाइप किए जा रहे हो, 36, 48 और 30, ध्यान से सुना करो क्वेश्चन को पहले, या पहले टाइप के रख ले करके रख लेते शायद इसलिए गलत आ गया। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि महाव्याधियां कौन से कोटि प्राणायाम करने से दूर होती हैं? महाव्याधियां, गलत पूजा जी, आप भी गलत कर रहे हो, कमाल है। अरे कईयों का गलत हो रहा है, इन्होंने तो अधम भी लिख दिया रोशनी जी ने तो। हाँ हिमांशी जी का ठीक है, मध्यम मध्यम कोटि का अभ्यास होता है, प्राणायाम होता है, उससे महाव्याधियां पूछा था मैंने, सामान्य व्याधि नहीं पूछी थी। अच्छा आप बताएंगे कि मिताहारी किस में हो जाते हैं, अधम में, मध्यम में, उत्तम में? हाँ बहुत बढ़िया, और रिस्पांस कई कम लोग कर रहे हैं, सभी लोग करो भैया, मुझे पता कैसे चलेगा आपको याद हुए हैं, जब मैसेज करके तब तक बताओगे नहीं हमें, उत्तम कोटि में, बहुत बढ़िया। अच्छा बुद्धि तीव्र किस कोटि में हो जाती है, अधम में, मध्यम में, उत्तम में?
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे का मेरा क्वेश्चन है, प्राणायाम का लाभ क्या बताया गया है इसमें? बहुत बढ़िया प्रीति जी, पूजा जी, पाप दूर हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन सा, किसको करने से हम धैर्यशाली हो जाते हैं? प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से, धैर्यशाली किस में हो जाते हैं हम? वेरी गुड पुष्पा जी, बहुत बढ़िया। अरे पूजा जी, कुछ गड़बड़ हो गई है आज, पूजा जी का विचलित चल रही है लग रहा है, प्रत्याहार करवाना पड़ेगा इनसे। धारणा, धारणा आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएंगे कि को योग के कौन से अंग से शुभ अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है? कौन सा अंग है वो? ध्यान है, समाधि है, बहुत बढ़िया, समाधि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि 144 प्राणायाम करने से क्या सिद्ध होता है? अरे बाप रे, ध्यान पे भी चले गए हूँ। 144 प्राणायाम करने से धारणा सिद्ध होती है। थोड़ा मैथमेटिक्स अपना अच्छा से करो, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे आगे। अब आप उन प्राणायाम के नाम ला लिखेंगे कि गलत प्राणायाम का अभ्यास करने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, नाम लिखेंगे सभी के, कौन कौन से रोग हैं जो गलत प्राणायाम का अभ्यास करने से दूर हो जाते हैं। और मुझे शुभम जी माइक खोल के बताएंगे, बाकी सभी मैसेज टाइप करेंगे। गले के रोग सर, जैसे अस्थमा है, जैसे गले के रोग हुए हैं और आंखों के रोग हैं, गले के रोग, आंखों के रोग, अस्थमा आदि। शुभम जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं एनाटॉमिक आपसे? जी सर, अस्थमा गले का रोग है या छाती का रोग है? नहीं छाती का रोग है और सर, गले का सॉरी क्यों सर, बता रहे गले के हैं? रोग। थोड़ा ध्यान से आंसर करो भैया, एनाटॉमी भी आपके सिलेबस में है, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए एनाटॉमी जी सर, सिलेबस में लगाई गई है आपको। जी सर, जी सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा। हाँ, हिचकी आदि रोग हो जाते हैं सर, हिचकी आदि, खांसी होना। हाँ, खांसी नहीं होती, होने, हाँ खांसी हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये बीमारियां हो जाती है, ठीक है। हाँ अच्छा हाँ अच्छा यहाँ पे योग सिद्धि के लक्षण क्या बताए गए हैं, चिन्ह मैसेज करें। बहुत बढ़िया, नाद ध्वनि सुनाई देने लग जाते हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। अच्छा, प्रत्याहार की डेफिनेशन क्या है? प्रीतम सिंह जी माइक खोल के बताएंगे, बाकी टाइप करेंगे, प्रत्याहार की डेफिनेशन क्या है? प्रीतम सिंह जी मौन साधना में चले गए। रूमा मोदक जी बता दीजिए। बताइए रूमा जी। हाँ जी, आसक्ति ना करके अपनी बुद्धि से सर। कंफ्यूज हो गए? प्रत्याहार जी सर, योग दर्शन में क्या बताया गया है रुमा जी? योग दर्शन में क्या है प्रत्याहार? सत्येंद्र सर ने श्लोक भी पढ़ा दिया है, बताइए।
योग दर्शन का श्लोक बाकी लोग मैसेज टाइप करो, याद नहीं आ रहा है सर। बाकी लोग मैसेज टाइप करो, मयंक जी सुनाओ प्रत्याहार। सर किसके हिसाब से सुनाना है सर? दोनों के हिसाब से सुना दो सर। योग दर्शन में देश बंद चित्त धारणा तीसरे का पहला सूत्र है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्रत्याहार। अच्छा सर उसका प्रत्याहार सुना, योग दर्शन का। हाँ स्वविषया संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, इसका मतलब अपने मतलब इंद्रियों को बहिर्मुख, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। ये योग दर्शन में है और इसमें भी ऐसे ही बताया है, इंद्रियां जो अपने स्वाभाविक रूप से बाह्य विषयों में लगती है तो उसको उसके स्वाभाविक विषयों से हटाकर कहीं और लगाना धारणा प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, अब सभी मैसेज करेंगे जो प्रत्याहार का मेंग जी ने इतने अच्छे से सूत्र सुनाया है, उस सूत्र संख्या क्या है मैसेज करो सभी। सूत्र संख्या क्या है? हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, मैं सूत्र संख्या पूछ रहा हूँ। अब मैसेज करेंगे, बहुत अच्छा बताया मेंग जी आपने, बहुत बढ़िया। अब सूत्र संख्या बता दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ये 44 कहां से आ गया भावना जी? अच्छा गलती से हो गया 54, दूसरे चैप्टर का था, दूसरे पाद कौन सा? साधन पाद का। ठीक है आगे का मेरा क्वेश्चन अगला आपसे, विपरीत करणी मुद्रा की टेक्निक बताएंगे और मुझे माइक खोलेंगे लक्ष्मी कुमारी जी, माइक खोल के बताएंगे। सर विपरीत मुद्रा में पैर ऊपर होता है, कमर कमर के साथ ऊपर होता है, चंद्र ऊपर होता है और सूर्य ऊपर होता है और चंद्र नीचे होता है। और लाभ और बता दीजिए। लाभ सर उसमें जो अमृत रस है वो उसका भस्म होना कम हो जाता है तो उम्र बढ़ जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सिर नीचे और पैर ऊपर, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, अच्छा मूलाधार को रोकने से सफलता प्राप्त कर लेने से योगी किसके समान हो जाता है? पंचमुखी शिव के समान, बहुत बढ़िया। नीरज जी, भावना जी, पूजा जी, उमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। अब आप मुझे बताएंगे कि कवि हो जाता है, ऐसे कुछ वर्णन है, वो किस विधि में आता है? और मुझे माइक खोल के बताएंगी भावना चौधरी जी। हाँ जी, उसमें भी बताएंगे जैसे खेतरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं या नवो मुद्रा यानी तालु पर जीवा को लगा लेते हैं और तो मतलब जो हमारा लास्ट पैलेट होता है उस पर राग ग्रंथ बोला है शायद उसमें, तो वही उसी से कवि के समान हो जाता है। 6 महीने उसका अभ्यास या ध्यान करते हैं तो अमृत को पान करते हैं। अच्छा जी, और क्या क्या फल बताए गए हैं? और उसमें टेस्ट बताए गए हैं कि टेस्ट आते हैं कपाल कुहर में जब जीभ को ले जाते हैं तो क्षार, कटु, अम्ल, दूध, मधु, घृत, उनका टेस्ट। और इसके अलावा फल भी हैं बहुत सारे। ओके, जो मतलब ये बताया कि अमृत तत्व होता है वो प्राप्त होता है और जो अष्ट सिद्धियां बताई गई हैं और जो सिद्धों की तरफ ना जो स्त्रियां होती हैं वो आकर्षित होती हैं, ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये मैसेज करेंगे, क्या घेरंडी संहिता में नवो मुद्रा और खिचड़ी मुद्रा अलग अलग है या एक ही है? चलिए भावना जी आप ही माइक खोल के बताओ। पूजा सिंह राजपूत जी, जी बताओ। हाँ जी पूजा सिंह राजपूत बताएं। मैसेज आ रहा है अलग अलग है, चलो कोई बात नहीं, आपका मैसेज मान लेते हैं हम, आपको नेटवर्क इशू रहता है।
चलिए आगे हम बताते धारणा की डेफिनेशन क्या है और कौन सा स्थान पे धारणा लगाने के लिए बताई गई है। बहुत बढ़िया, हृदय स्थान पे बताया गया है और पंच महाभूतों को अलग अलग करके धारण करना। अच्छा आप बताएंगे कि त्रिकोण आकार आकार कौन से महाभूत का है। बहुत बढ़िया, अग्नि का है। अच्छा आप ये बता दीजिए कि सदाशिव जो देवता है कौन से महाभूत के हैं। बहुत बढ़िया, आकाश के हैं, आकाश महाभूत के। अच्छा अब ये बता दीजिए जो हम मंत्र है कौन से चक्र से संबंधित है। चक्र पूछा मैंने, हम मंत्र। हाँ लक्ष्मी जी गड़बड़ हो गया। हिमांशी वर्मा जी गड़बड़ हो गया। हिमांशी जी माइक खोल के सारे मंत्र सुनाओ। हेलो आवाज आ रही है। हाँ जी बताओ। हाँ तो पृथ्वी का है लम, जल का है वम, अग्नि का है रम, वायु का है यम और आकाश का है मम। और इसका आगे चक्र का क्या है। आगे चक्र का ओम है। हाँ और मैंने पूछा था हम, अब बताओ हम का कौन से चक्र के साथ संबंध है। विशुद्धि। ठीक है याद रखना, आपने शायद अभी टाइप किया था आगे चक्र, ध्यान रखना। ठीक है अब आगे हमें बताएंगे कि अब बताएंगे कि कौन से चक्र पे ध्यान करने से योगी सुखी और परमानंद की प्राप्ति होती है। मैसेज करेंगे। गोपाल जी गलत। हाँ विवाजी का बिल्कुल सही आंसर आया है। संतोषी जी, पूजा जी, भावना जी बहुत बढ़िया। स्वादिष्ठान चक्र आएगा आंसर, स्वादिष्ठान चक्र बहुत बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि मणिपुर चक्र में कितने दल होते हैं। चार। किसने किया भैया। नीरज जी कहाँ पे सो रहे हो आप, पहले टाइप करके रखते हो। उमा जी ने 17 लिख दिया, बताओ 10 दल होते हैं। अच्छा नीरज जी आप बताओ दल का अर्थ क्या होता है। दल जो सुन रहे हैं, दल क्या होता है इसका मतलब। नीरज जी तो बाहर चले गए लोग, कोई बता दीजिए माइक खोल के, दल क्या होता है। कोई भी। उनकी पेटल्स जो होती हैं, पंखुड़ियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो सभी के जो चक्र है ना उसको कमल की आकृति का माना जाता है। जैसे कमल होता है ना, कमल का फूल, ऐसे पंखुड़ियां चारों तरफ से खुलती हैं उसकी। इसी प्रकार मूलाधार में चार पंखुड़ी है, पंखुड़ी को दल कहते हैं। फिर ऊपर के 6 पंखुड़ी है, 10 पंखुड़ी है, 12 है, 16 है, 2 है और सहस्त्रार में हजारों है। अच्छा कितने स्थानों पर ध्यान लगाने के लिए बताया गया है। अच्छा किसी को ये ध्यान से भी याद है, माइक खोल के बता दीजिए कोई भी जिसको याद हो। सर याद बताइए प्रीति जी। गुदा, मेद, हृदय, नाभि, भ्रूमध्य, घंटिका, भ्रूमध्य, विशुद्धि, लंबिका और शून्य स्थान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप मुझे बता देंगे कि 12 दिन प्राण का अवरोध करने से क्या सिद्ध होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैसेज करिए कि युक्ताहार विहारस्य वाला श्लोक कौन सुना सकता है। मैसेज करिए फिर मैं नंबर सिलेक्ट करूंगा, कौन सुना सकता है।
पूजा जी सुनाएंगे, पूजा सिंह राजपूत जी सुनाएंगे। हेलो राहुल जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, सुनाओ। युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस युक्त योगो भवति दुखः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। इस तरीके से हमारा ये ग्रंथ पूरा हो गया है। अंतिम मौका दे रहा हूँ, किसी का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, इसके बाद में इस ग्रंथ को हम नहीं उठाएंगे। सर, मैं एक्चुअली योग बीच में था, मैंने योग बीच में आपने जो बताया है उतना ही लिखा। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो वो इतना काफी है कि उसकी फोटो कॉपी करवा लें। बुक तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से शॉर्टकट पढ़ाया है। अच्छा जी सर। पूरा तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, आप बुक ले लीजिए। शून्य स्थान क्या होता है? नमो व्हील लिखा है, क्या होता है? शून्य स्थान बोलते हैं, ये उसमें भी आता है, खिचड़ी मुद्रा में भी आता है जो हठयोग की पढ़ते हैं। जो शून्य स्थान, इसको आकाश का स्थान बोलते हैं, और एक तरीके से इसको जो केवल धाम वाली पुस्तक में एक्सप्लेन किया है उन्होंने, आगे चक्र के पीछे का जो स्थान है ना, उसको एक होता है शून्य और एक महाशून्य, दो स्थान बताए गए। पहले शून्य स्थान आएगा कि घंटिका के ऊपर जाकर के भ्रू मध्य के पास, और उसके ऊपर जो सहस्त्रार के पास में उसको महाशून्य बोलते हैं। हाँ नीरज जी, कुछ कह रहे हो? सर ये मेंडर, मेंडर क्या होता है? क्या मेंडर जो था इसमें गुदा मेडर नबी मेडर मेडर होता है मेडर। हाँ मेडर का स्थान क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें थोड़ा सा मैं खुद डाउट में हूँ हल्का सा इस क्वेश्चन के, तो मैं आपका आंसर कल दूंगा इसका आंसर, क्योंकि कुछ पुस्तकों में मैं। हाँ पूजा जी बोलिए। जी राहुल जी, मैं ये पूछ रही थी, वो व्याप्ति वाली टर्म आई थी मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ पे? उस दिन अच्छा, आपने छुड़वा दिया था ना कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ लिखा था उसमें मुझे याद है बट मुझे मिल नहीं रहा है। मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ ढूंढने के लिए, लेकिन वो मिल एक्चुअली राहुल जी मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि व्याप्ति जो है, व्याप्ति जब हम न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आता है, तो व्याप्ति के वहाँ पर दो प्रकार बताए गए, एक समाव्याप्ति और एक असमाव्याप्ति बताया गया है, तो मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे कोई और टाइप बताया गया है या फिर उन्हीं दोनों में से कोई टाइप बताया गया था। मुझे तो याद नहीं आ रहा है अभी, ये शब्द नहीं आया। नहीं नहीं आया था, आपने छुड़वाया भी था, आपने कहा था कि ये उसमें दो वर्ड लिखा था व्याप्ति के साथ कुछ और भी था, बट वो उस टाइम पे मैं जहाँ पे वो था ना पूजा जी, अगर मिल जाए तो स्क्रीनशॉट भेज देना फिर मैं बता दूंगा एक बार, क्या तो योग वशिष्ठ में हो वो चीज है ना। हाँ हाँ वही मुझे याद नहीं आ रहा है, तो तीन चार दिन हो गए तो पता नहीं किसमें था। कोई नहीं, आप मिल जाए तो स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, शांति पाठ करें। शाम को आपका टेस्ट होएगा, क्विज होएगी बहुत अच्छी वाली लाइव। हेलो, जैसे हमने रत्नावली की क्विज कराई थी इसी प्रकार। हाँ जी गूगल फॉर्म बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, एक डाउट था इसमें, जो आपने एक बार ग्रुप में 16 आधार का जो डाला था वो, और अभी जो पढ़ रहे हैं गोरख संहिता, इसमें 16 आधार में सीक्वेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो कौन सा सही बैठेगा, थोड़ा आप क्लियर करेंगे क्या? देखिए जो 16 आधार जो बताया गया है ना जी, वो अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग बताया है जी। अब गोरख संहिता ये जिसने लिखी है जी, देखिए मूल श्लोक में तो 16 आधार लिख दिया जी, मूल श्लोक में तो बताया नहीं कौन कौन से आधार हैं। ये इसे डॉक्टर चमनलाल गौतम जो गोरख संहिता के जो राइटर हैं, इन्होंने अलग बताया, आप इनके अनुसार कंफ्यूज हो रहे हो ना। और जो हठयोग प्रदीपिका में वर्णन मिलता है वो केवल धाम वालों की डेफिनेशन है जी, तो मैं केवल धाम को ज्यादा प्रेफर करूंगा जी।
और उसी की स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भेजी थी, आपने देखा हो तो। जी वही मैंने दोनों मिला के देखा तो ऊपर नीचे है कुछ कुछ, तो इसलिए वो केवल धाम वाले ज्यादा सूट करेगा क्योंकि उपनिषदों में भी आएगा 16,000, वहां पर भी वही वाले आएगी केवल धाम वाले जी। और ये अपने इस ग्रंथ में भी आएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी इसका वर्णन है। आएगा वहां पर भी 16,000 की सिद्धि होती है जी। ठीक है जी, और लाइव में स्क्रीन पे शेयर करूंगा, ऑप्शन भी होंगे ABCD आपके सामने, और लाइव आपको जैसे मैंने हट रत्नावली का क्विज लिया था लाइव, इसी प्रकार लूंगा आज मैं शाम को, पूरी अच्छे से जबरदस्त तैयारी में आना योग वशिष्ठ के। ठीक है, शांति पाठ किया जाए, आज की शांति पाठ रुको मैं करवाता हूँ। कौन करेंगे? हिमांशी वर्मा जी करेंगे आज का शांति पाठ। हिमांशी जी शांति पाठ करेंगे। मैं करा दूं भैया। करा दीजिए नीरज जी, आज अच्छा लग रहा है और याद कर लिया आपने, सुनाओ जी। दोनों हाथ गोदी में शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांति रेव शांति शामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया, हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं, धीरे से आंखें खोल दीजिए। ठीक है हिमांशी जी, कल आपका नंबर है, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, किसी का भी नंबर आ सकता है, ये तो छोटी छोटी चीजें, सबको प्रिपेयर होने चाहिए। सभी को प्रणाम, शाम को क्विज होगी, जबरदस्त तैयारी के साथ आएंगे योग वशिष्ठ के सभी।